This is the venue where arguably India's greatest ever cricketer Sachin Tendulkar grew up, played some enterprising cricket and had his best memories, including the lifting of ICC World Cup in 2011. To keep a memory for the fans of cricket legend at Wankhede Stadium, his life-size statue will be installed there as a tribute to him on his 50th birth year. The legend on Tuesday was invited by the Mumbai Cricket Association to identify the spot for his statue. He suggested that the statue should be installed opposite to the MCA lounge. यहाँ पे MCA lounge के वहाँ पे एक roundabout create कर रहे हैं, तो वहाँ पे statue आ जाएगा। तो मुझे लगा कि उसके background में stadium भी है, तो stadium background में होना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे सारी action हुई हमारी। और वो एक स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे क्राउड भी आ सकेगा, अगर किसी को वहाँ खड़ा रह के फोटो लेना है या ठीक तरह से देखना है स्टैचू, तो इट इज एक्सेसिबल। सचिन रिकॉर्ड हिज जर्नी एंड हाउ ही इज इमोशनली अटैच्ड टू द स्टेडियम एंड व्हाई इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिज इलस्ट्रियस करियर। मुझे पता है कि मेरी जर्नी यहाँ से ही शुरू हुई। मैं पहले तो यहाँ पे आया था, हमारे शारदाश्रम के सीनियर टीम को सपोर्ट करने आया था मेरी खुद की मैच छोड़ के। तो तभी मुझे आचरेकर सर ने डांटा था और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो फिर मैं अच्छा करने लगा क्रिकेट में, फिर जो अच्छा कर रहे थे मुंबई क्रिकेट में उनको यहाँ बॉल बॉयज़ करके रखा करते थे, तो मैं तभी बॉल बॉय करके था। और उसके बाद मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, यहाँ पर मेरा डेब्यू हुआ। तो जो भी अगर जो एक बड़े मोमेंट्स रहे हैं मेरे लाइफ में, वो इस ग्राउंड पे रहे हैं। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था 2011 वर्ल्ड कप, तो वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ। मेरी रिटायरमेंट इस ग्राउंड पे, तो इस ग्राउंड के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और ऐसे मोमेंट्स मुझे क्रिकेट ने इस ग्राउंड पर दिए जो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता और किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे लोकल एसोसिएशन जिन्होंने मुझे, मैं लिटरली 12 साल का था तब से देखा हुआ है, उनकी तरफ से ऐसा अप्रिसिएशन मिलना इज क्वाइट प्लीजिंग। मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक स्टेडियम्स हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ प्लेयर्स स्टैचू। सचिन्स लाइफ साइज स्टैचू व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी अनवेल्ड इन अक्टूबर ड्यूरिंग द 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप वाज परहैप्स अ लॉन्ग टाइम ड्यू।